welcome back to my channel, and today we are doing hair, makeup and attire. Attire, obviously I'm not going to tell you how to tie a sari because this will make the video very very long. But yes, in this video you'll get to learn how to make this oversized bindi and much more. Stay tuned till the end and let's begin. तो सबसे पहले मैं अपने बालों को दो भागों में बांट रही हूँ और उसके बाद जैसे स्कूल में चुटिया बना के जाना होता था, ब्रेड्स बनानी होती थी, वैसे ही हम ब्रेड्स बनाएंगे. ब्रेड्स बनाते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि ब्रेड्स कान के पास नहीं बनानी, बीच में नहीं बनानी है, पीछे की साइड ही बनानी है. तो जैसे मैं ब्रेड्स बना रही हूँ वैसे ही आप भी बनाएंगे और उनको दो रबर बैंड से टाई कर देंगे, फिर पीछे लेके जाएंगे. अच्छा, अगर आपके बाल छोटे नहीं है मेरी तरह तो आप ब्रेड्स को लूज़ भी कर सकते हैं जिससे कि ये लो ब्रेडेड बन और ज़्यादा थोड़ा मैसी और ज़्यादा अच्छा लगे. बट मेरे बाल क्योंकि छोटे हैं तो मैं लूज़ करती तो बन बन ही नहीं पाता. अभी भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी. खैर, आप इसको ऐसे बन की शेप देने के लिए दोनों बालों को लपेटने के बाद गोल गोल घुमाएंगे पीछे की साइड और उसके बाद यू पिंस लेंगे, जो जूड़े में यूज़ भी होती है, आपको पता होगा. वही यू पिंस आप लेके हर जगह फिक्स करेंगे. आपके जितने छोटे बाल हैं आपको उतनी ज़्यादा यू पिंस लगानी पड़ेंगी. मुझे बहुत अच्छे से पता है, मैंने बहुत मेहनत करी है इसे बनाने में. बट हाँ, अगर आपके लंबे बाल हैं या मीडियम लेंथ के बाल हैं तो बहुत आराम से बन बन जाएगा एंड टिकेगा भी. तो ऐसे ही आप लोग यू पिंस लगाएंगे. मेरे में उतनी ज़्यादा ब्रेड्स नहीं पता चलेंगी क्योंकि इनकी चुटियाँ बनानी ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई थी. बट स्टिल किसी तरीके से मैंने मैनेज कर लिया. तो यू पिंस लगाएंगे, जितनी लगा सकते हैं लगा दीजिए जिससे कि बन खिसके ही ना बिल्कुल भी. कुछ इस तरीके का बन लगेगा, इनफैक्ट इससे अच्छा ही लगेगा आपका, आपके बाल अगर लंबे हैं तो. जैसे मैं कर रही हूँ बस वैसे वैसे करते जाइए, यू पिंस लगाते जाइए. और उसके बाद अब मेकअप की बारी है. मैं एलोवेरा जेल लेती हूँ प्राइमर की जगह बिकॉज ये स्किन को सूट भी करेगा एंड एज सच केमिकल्स नहीं है इसमें कुछ. तो एलोवेरा जेल लगा लिया मैंने पहले अच्छे से. उसके बाद मैंने फाउंडेशन लिया, सबसे सस्ता फाउंडेशन यही है शायद, लैकमे परफेक्ट रेडियंस. मैंने वीटेज टू डस्की स्किन वाला लिया है शेड. अब मैं फाउंडेशन लगाते हुए आई वुड सजेस्ट कि आप हाथ भी यूज़ कर सकते हैं. मैं यहाँ पे आज ब्रश से ट्राई कर रही हूँ बिकॉज रखे हैं तो यूज़ तो होने चाहिए. तो मैं ब्रश से ब्लेंड कर रही हूँ. अच्छा, ब्रश से जब फाउंडेशन लगाते हैं हम तो इनवर्ड आउटवर्ड मोशन होता है, आप अंदर की तरफ नहीं, फेशियल हेयर जिस डायरेक्शन में उधर की तरफ लेके जाएंगे. खैर, फाउंडेशन लग गया, उसके बाद मैं कंसीलर लगा रही हूँ. कंसीलर लगाना मैं एक्चुअली भूल गई थी और अगर आपने मेरी पहले की वीडियोज़ देखी हैं तो आपको पता होगा कि मेरे पिम्पल का एक मार्क रह गया है, तो वही छुपाने के लिए इन दिस वीडियो आई डिड दैट. फिर मैं कॉन्टोर करने के लिए डार्क ब्राउन लिपस्टिक ले रही हूँ. आप डार्क ब्राउन शेड चाहिए बस, आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको कॉन्टोर स्टिक लेनी है या फिर कुछ ऐसा चाहिए. और ध्यान रखिए कि डार्क ब्राउन कलर जो भी आप लगा रहे हैं वो नाक पे साइड लाइंस पर लगाने के बाद उसे उसी डायरेक्शन में घिसते जाए, स्मच करते जाए जिससे कि वो एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन दे आपकी नाक को, आपकी नोज़ बहुत मतलब और अच्छी लगे, उभर कर शेप आए उसकी. उसके बाद मैंने मिनीसो की कॉन्टोर और हाईलाइट लाइक आई शेडो पैलेट है ये लिया है. इसका भी एक डार्क ब्राउन शेड है जो मैं चीक्स कॉन्टोर करने के लिए यूज़ कर रही हूँ. तो और नीचे अगर डबल चिन है जो कि मेरी है बहुत हल्की फुल्की तो मैंने वहाँ भी लगा लिया थोड़ा सा डेफिनेशन देने के लिए. देन स्मच कर रही हूँ, या ब्रश से भी कर सकते हैं बट फिंगर से सेम डायरेक्शन में आप करेंगे तो मुझे लगता है जल्दी होता है, तो इसलिए आई डोंट माइंड यूजिंग माई हैंड्स, मैं हाथों से ही कर लेती हूँ. फिर मैंने लिपस्टिक लगाई है. तो अब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई पर्टिकुलर ब्रांड लगा रहा है, अगर आपने लोकल मार्केट से लिपस्टिक ली है और रेड कलर अच्छा है तो आप वो लगाएं, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं लगती. तो मैंने रेड लिपस्टिक लगाई है, अभी मैंने रिसेंटली ली थी. इसको मैंने दो शेड मिक्स करे हैं एक्चुअली रेड के. अब लगाने के बाद थोड़ी बहुत इधर उधर ही होगी तो उससे आए क्लीनिंग. उसके बाद आईब्राउ पेंसिल लिया है, मैंने थोड़े दिन पहले ही ली थी. अगेन ये लोकल मार्केट की है बट द पॉइंट इज कि डार्क ब्राउन मैट लिपस्टिक भी है अगर आपके पास. लिक्विड नहीं चलेगी ऑब्वियसली बट अगर डार्क ब्राउन लिपस्टिक है तो वो आप लीजिए. डार्क ब्राउन पेंसिल लीजिए, उसको हल्का सा आईब्रोज पर लगाइए एंड देन जो ब्रश होता है उससे ब्लेंड कर लीजिए. उसके बाद मैंने ये जो है पिंकिश मैरूनिश कलर का
आईलाइनर लिया था, उसे आई शेडो की तरह लगाया, उसके ऊपर मैं येलो कलर का आईलाइनर लेके थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ उसे गोल्डन। फिर मैंने वही आईब्रो पेंसिल जो है डार्क ब्राउन काजल की तरह यूज कर ली लोअर आईलाइन पर, तो उसे अच्छे से लगाए। फिर उसके बाद मैंने फाउंडेशन हाईलाइटर लिया, बेसिकली मेबलिन का हाईलाइटर है ये, बहुत अच्छा है। तो हाईलाइटर की जगह आपके पास कोई हाईलाइट करने वाली अगर अच्छी क्रीम है वो भी लगा सकते हैं, थोड़ा सा शिमर मॉइस्चराइजर मिक्स करके भी लगा सकते हैं। मैंने क्या करा, मुझे याद आया मैंने हाईलाइटर आंखों पर भी लगा लिया और नाक पर अच्छे से। फिर उसके बाद मैं आईलाइनर लगा रही हूँ, आईलाइनर मेरा एवॉन का है सिंपली प्रिटी करके, बहुत ही अफोर्डेबल और लाइक इफ़ यू प्लग करेंगे तो आपके हाथ में आ जाएगा, तो मतलब बहुत अच्छा फॉर्मूला है। आईलाइनर मैंने मोटा मोटा सिंपल लगाया, विंग्ड आईलाइनर नहीं लगाया। फिर उसके बाद मैंने मस्कारा लिया है, मस्कारा मेरा ओरी फ्रेम का है, ये मस्कारा इज़ व्हाट आई कैन वाउच फॉर, बहुत ही अच्छा मस्कारा है, बहुत अच्छे आईलैशेस लगते हैं, शायद वीडियो में उतनी पता ना चले बट बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आपकी आँखों के लुक में, आपके पूरे फेस के लुक में। उसके बाद मैंने एक, मेरे पास लिक्विड रेड कलर की लिपस्टिक पड़ी थी, अब मेरे पास बहुत बड़ी बिंदी नहीं थी और जब मैं मार्केट में गई थी आज मेरे को जिस दिन वीडियो बनानी थी उस दिन सुबह सुबह मैं मार्केट गई तब दुकान नहीं खुली थी, तो मैं घर पे आ गई और मेरे को टाइम तो था नहीं बिंदी खरीदने का, या इतनी बड़ी मिलती भी या नहीं मेरे मार्केट में, मैं श्योर नहीं थी। तो और मुझे लगानी थी बड़ी बिंदी बिकॉज दुर्गा पूजा लुक है, तो मैंने रेड कलर की, आप लोग भी ये कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है ना बड़ी बिंदी या जिस भी साइज़ की बिंदी लगाना चाहते हैं, इनफैक्ट रेड कलर लीजिए, रेड लिपस्टिक लीजिए या रेड स्केच पेन लीजिए और रेड आईलाइनर है या कुछ, तो उससे आप ऐसे बिंदी बना लीजिए। उसके बाद मैंने ज्वेलरी पहनी है, तो ये ज्वेलरी तो मेरी थी बट इसके अलावा आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल, मैं बता दूं कि मेरी साड़ी और ये झुमके मैंने सोर्स करे अपनी फ्रेंड्स से, अदिति और कविता, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू देम फॉर दिस, और ये फाइनल लुक। सो आई होप यू रियली रियली एंजॉयड द ट्यूटोरियल एंड वुड फॉलो द सेम एंड follow the drill, like, share, subscribe to my channel. I love you lots.